नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पीछे खाली शराब की बोतलें फेंके जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीते दिन मामले का वीडियो सामने आते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले को लेकर अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से लेकर जिले भर में विभाग परिसर और अधिकारियों को लेकर खूब चर्चाएं हुई। बागेश्वर जिले में बीते दिन मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पीछे खाली शराब की बोतलें फेंके जाने का एक वीडियो खूब चर्चाओं में रहा। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की, लेकिन एसडीएम के पहुंचने से पहले ही शिक्षा विभाग के कर्मियों ने रातों रात वहाँ सफाई कर दी, जिस पर एसडीएम को मौके पर कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि बीते सोमवार की शाम मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर के पीछे दर्जनों के हिसाब से शराब की खाली बोतलें फेंकी गई थी, जो दिन भर नगर में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं लोगों का कहना है कि जिस ऑफिस से जिले भर के शिक्षा के मंदिरों की नीति निर्धारित होती है, वहाँ शराब पीकर फेंकी गई खाली बोतलें समझ से परे हैं। ऐसे में ये भी साफ नहीं हो पा रहा कि आखिर किसने परिसर में खाली शराब की बोतलें फेंकी। कई लोगों का ये भी मानना है कि कार्यालय बंद होने के बाद अराजक तत्व परिसर में आकर शराब का सेवन कर रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, शराब की खाली बोतलें जांच का विषय तो थी, लेकिन वीडियो वायरल होते ही रातों रात परिसर की सफाई करवा दी गई और एसडीएम के मौके पर पहुंचने से पहले ही वहां सफाई हो गई थी। हालांकि मामले को लेकर उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि बाहरी क्षेत्र के अराजक तत्वों पर विभाग कड़ी नजर रखे, दोबारा इस तरह का मामला सामने आने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।